चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी मुश्किल। दोस्तों, चंद्रमा पर इसरो अपना तीसरा अंतरिक्ष मिशन भेज चुका है और ये काफी हद तक सफल भी रहा है। वहीं चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत दूसरी बार चांद की सतह पर लैंडिंग करने का प्रयास करेगा और इस बार वो सफल भी हो जाएगा। लेकिन वहीं चंद्रयान 2 की गलतियों को देखते हुए इस बार इसरो ने काफी तैयारी पहले से ही की है। लेकिन चंद्रयान 3 के पहुँचने से पहले ही इसरो के वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी भी चीजें देखने को मिल रही है जिससे कि ये चंद्रयान 3 एक बार फिर चंद्रयान 2 की तरह असफल हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान 3 के बारे में सभी जानकारी बताने जा रहे हैं जिससे कि आप समझ जाएंगे कि ये चंद्रयान 3 सफल होगा या फिर असफल। ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान 2 भारत का ऐसा मिशन था जो कि अपने अंतिम पड़ाव में असफल हो गया था। उसके असफल होने के पीछे मुख्य तीन वजह सामने आई थी और यही मुख्य तीन वजह इस बार चंद्रयान 3 में भी देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से वैज्ञानिकों की परेशानी बढ़ने वाली है। आइए हम आपको बताते हैं क्या आखिर ये वजह क्या थी और आखिर क्यों चंद्रयान 2 असफल हुआ था और यही वजह आज फिर से किस तरह से चंद्रयान 3 के सामने आने वाली है। इस समय चंद्रयान 3 के लाइव लोकेशन की बात करें तो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़कर अंतरिक्ष में पहुंच चुका है और चंद्रमा की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये सीधे सीधे चंद्रमा की ऑर्बिट में इंटर करने वाला है। आपको बता दें कि ये सभी कुछ कर और 5 तारीख की रात होने वाला है जब वो चंद्रमा के ऑर्बिट में इंटर करेगा। उसी के बाद ये सभी मुश्किल के सामने आ सकती है जो की चंद्रयान 2 के सामने आई थी और यही इसरो के परीक्षा का भी समय होगा की उसे अब किस तरह से नीचे चंद्रमा के सतह पर उतारा जाए। यदि चंद्रयान 3 असफल होता है तो ये भारत के लिए काफी बड़ी हानि होगी और आने वाले मिशन के लिए भी कई कठिनाइयां हो सकती हैं। आने वाले समय में मिशन गगन भी शामिल है जिसमें भारत अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाला है। अब इस समय इसरो के वैज्ञानिक की तरफ से एक खबर आई है जिसमें इसरो के एक अधिकारी द्वारा बताया गया है कि इस समय मिशन फाइन बेकिंग फेज में चल रहा है। ये वो समय होता है जब हमारा ये चंद्रमा की सतह से 4 या 5 किलोमीटर की ऊपर रहता है। यही समय चंद्रयान 2 के लिए भी सबसे खतरनाक समय था और यही समय अब चंद्रयान 3 के लिए भी सामने जल्द ही आने वाला है। चंद्रयान 2 भी इसी समय चांद की सतह पर उतरने वाला था और उस समय उसकी वर्टिकल वैल्यू स्पीड 59 मीटर/सेकंड थी, यानी कि वो इस गति से चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस समय चंद्रयान 2 की गति धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए थी, लेकिन वो उसी समय 212 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा की सतह पर बढ़ रहा था। यही सबसे पहली गलती थी। वही दूसरी गलती ये हुई कि जब वो चंद्रमा के रास्ते से 400 मीटर ऊपर था उस समय उसकी गति कम हो जाना चाहिए थी और बिल्कुल धीमी रहना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाई थी। इस समय प्रोपल्शन सिस्टम में दिक्कत हुई, इसने लैंडर की गति अनुमान से ज्यादा बढ़ा दी। लैंडिंग के दौरान लैंडर को लगातार धीमा होना था ताकि वो चांद की सतह पर बिल्कुल सुरक्षित उतर सके, क्योंकि लैंडर की गति घटने के बजाय बढ़ने लगी थी और इसी के कारण इसका सॉफ्टवेयर उसे नियंत्रित नहीं कर पाया था। इसके बाद वो पलट गया और उसे लैंडिंग के समय वो पूरी तरह से क्रैश हो था। और उसके बाद इसरो के चीफ इंजीनियर द्वारा बयान दिया गया था कि इस समय उनसे एक और गलती हुई थी जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने यान में 5 इंजनों का उपयोग किया था। उस समय इनका उपयोग इसलिए किया गया था ताकि वो फोर्स पैदा करके आसानी से चंद्रमा के सतह पर उतर सके। ये उस समय लैंडर की स्पीड कम करने के लिए जो 5 इंजन लगाए गए थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। उन्होंने जरूरत से थोड़ा ज्यादा थ्रस्ट यानी दबाव पैदा किया, इस वजह से जब लैंडर को स्थिर होना चाहिए था लेकिन वो पलटने लग गया। यहाँ पर उसके स्पीड कॉम्प्रोमाइज हो गई और वो इस समय गोल गोल घूमने लगा। इसके बाद वो अपनी जगह से टर्न करने लगा। इसके बाद इसरो चीफ ने चंद्रयान 2 के दौरान तीसरी सबसे बड़ी गड़बड़ी को बताया जिसमें इसके लैंडिंग स्पॉट से जुड़ी खामी को बताया है। उन्होंने बताया कि लैंडर चांद के सतह पर उतरने के लिए जगह की तलाश कर रहा था। लैंडिंग की जगह नहीं मिल रही थी जबकि लैंडर पहले ही चांद के सतह से बहुत करीब पहुँच चुका था। लैंडिंग स्पॉट 500 मीटर × 500 मीटर के क्षेत्रफल तक सीमित था और उसे खोजने के सिलसिले में क्राफ्ट अपनी रफ्तार बढ़ा रहा था। ऐसे में बताया गया कि ये समय काफी चैलेंजिंग था। एक तरफ तो लैंडिंग के लिए सही जगह की पहचान कर वहाँ पहुँचना था तो दूसरी तरफ धीमी रफ्तार को बरकरार भी रखना था। इसके बाद बताया कि चंद्रयान 3 में इस गलती को सुधारा गया है। इसरो चीफ ने बताया कि इस बार लैंडिंग साइट के लिए 500 × 500 मीटर के छोटे पैच के बजाय 413 किलोमीटर × 215 किलोमीटर के बड़े इलाके को टारगेट किया जाएगा जिससे की आसानी से सुरक्षित जगह पर यान को आसानी से उतारा जा सके। लेकिन दोस्तों,
आपको बता दें कि इस बार वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस बार उस तरह की कोई भी गलतियां नहीं होगी और इन गलतियों को सुधार भी लिया गया है। इस बार इंजन में कमी की गई है। इस बार 5 इंजन की जगह 4 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही ईंधन की क्षमता भी इस बार बढ़ाई गई है ताकि लैंडर को लैंडिंग स्पॉट ढूंढने में मुश्किल हो तो किसी वैकल्पिक लैंडिंग साइट तक पहुंच जाए। इसमें ईंधन की कमी जैसी बाधा भी नहीं होगी क्योंकि इस बार उसके पास उतारने के लिए एरिया भी काफी ज्यादा होगा और समय भी काफी ज्यादा होगा। इन सभी के लिए उसके पास पर्याप्त ईंधन भी होना आवश्यक है ताकि वो आसानी से अपने लैंडिंग साइट को ढूंढ कर सुरक्षित तरीके से उतर जाए। वहीं ये भी बताया गया कि चंद्रयान 3 के साथ इस बार देसी लैंडर जाएगा, उसके भीतर रोवर रहेगा। लैंडर चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और उसके बाद रोवर को तैनात करेगा। इस बार रोवर में 2 यंत्र हैं जो कि यहाँ पर जाने के बाद यहाँ के तापमान, मिट्टी व वातावरण में मौजूद तत्व व गैस ढूंढेंगे और उनका पता लगाएंगे। इसके लिए सॉफ्ट लैंडिंग जरूरी है ताकि रोवर से लैंडर, लैंडर से ऑर्बिटर और ऑर्बिटर से इसरो तक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिलते रहे, क्योंकि साफ सिग्नल तभी भेज पाएगा जब ये पूरी तरह से सुरक्षित लैंड हो पाएगा। लैंडर रोवर चांद के 1 दिन यानी कि धरती के 14 दिन के बराबर ही काम कर पाएंगे। यहाँ पर रात में तापमान -180 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसे में गारंटी नहीं कि उपकरण काम करेंगे। उसके बाद अगले दिन फिर सूर्य किरणों से चार्ज हुआ तो एक मौका मिलेगा। रोवर चांद के सतह पर मौजूद केमिकल और तत्वों का अध्ययन भी करेंगे। दोस्तों, यदि ये सभी कुछ सफल रहता है तो चंद्रयान 3 के बाद इसरो जापान के साथ मिलकर नए मून मिशन पर काम करेगा। बताया जा रहा है कि अगले मून मिशन के लिए इसरो की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा के साथ बातचीत चल रही है। जल्द ही इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।